साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अपन यहाँ बात कर लेते हैं, अब तक कितने जिलों का कुल मिलाकर दिसंबर माह का बिल है वो पास हो चुका है, और कल किन किन जिलों का साथियों बिल पास हुआ था, और कितने जिलों का अब तक पेमेंट आ चुका है। ठीक है, उससे पहले साथियों मैं आपको जानकारी बताना चाहूँगा, कल साथियों दो जिलों की लिस्ट जारी की गई थी। यदि आपने उन लिस्ट में अपना नाम चेक नहीं किया है तो अपने नाम को चेक जरूर कर लें कि भाई आपको कौन से डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप के लिए बुलाया गया है। ठीक है ना, उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप चैनल पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको ग्रुप के माध्यम से और चैनल के माध्यम से आपको जो भी लिस्ट आती है उसकी जानकारी मिल जाए। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, घंटी वाले बटन को दबा लें ताकि जो अपडेट है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अब साथियों अपन यहाँ बात कर लेते हैं बिल पास को लेकर। देखो साथियों, काफ़ी साथी मेरे पास जो बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर 28 जिलों का दिसंबर माह का बिल है वो पास हो चुका है। देखो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा 28 जिलों का बिल पास अभी नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, अभी मात्र 22 जिलों का ही दिसंबर माह का बिल पास हुआ है। ठीक है, कल क्या है, मात्र दो ही जिलों का बिल पास हुआ था, करौली और अलवर जिले का। ठीक है, और उसमें भी ध्यान रखना, अलवर का अभी अक्टूबर नवंबर का काफ़ी साथियों का बिल बचा हुआ है। तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, सभी साथी 181 पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाए, आप चाहे किसी भी जिले से संबंधित हो, दोस्तों 7 दिन के अंदर क्या होता है, पेमेंट और बिल पास है आपका, क्रेडिट हो जाता है। ठीक ना, आपको शिकायत जरूर करनी है, नहीं तो साथियों फिर हो सकता है आपको स्टेटमेंट लेकर बैंक से आपको रोजगार कर ले जाना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए शिकायत जरूर दर्ज करवा दे। अब साथियों पेमेंट की बात की जाए तो दिसंबर का पेमेंट सिर्फ दो ही जिलों का अभी तक आया है। ठीक है ना, वो मैंने आपको भरतपुर और अजमेर जिले का, ठीक है, बाकी जिलों का धीरे धीरे हो जाएगा। अब काफ़ी साथी कॉमेंट्स कर रहे हैं कि अब की बार पेमेंट इतने स्लो क्यों आ रहा है। देखो साथियों, इसका प्रमुख कारण है इंटर्नशिप डिपार्टमेंट अलाउट, है ना, इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सभी क्या है, इंटर्नशिप अलाउमेंट करने में लगे हुए हैं कि भाई किसको किस डिपार्टमेंट में देना है, तो वो उसके साथ धीरे धीरे बिल है उसको आपको ट्रेजरी को सेंड कर देते हैं, और जैसे ही ट्रेजरी के पास बिल आता है, ट्रेजरी का काम होता है आपके पेमेंट को खातों में पहुँचाना। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप करें नहीं, लेकिन ज़रूरी यह है आप एक बार देख लें कि आपका उस लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। ठीक है, अच्छा, अब उसके साथ काफ़ी ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें डिपार्टमेंट तो मिल चुका, यदि हम डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे तो क्या हमें इंटर्नशिप में ये भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो साथियों, आप इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे तभी आपको भत्ता मिलेगा, अन्यथा आपको भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो भाई आपने 20 जनवरी से 30 जनवरी तक इंटर्नशिप की, तो आपको मात्र 10 दिन का बेरोजगारी भत्ता ही प्राप्त होगा। ठीक है, और ये भत्ता कैसे प्राप्त होगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाले बटन को दबा ले ताकि आपके पास अपडेट है वो तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद, और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़े।